हकी ग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ तौसीफ। और बेसिकली आज जो है हम लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी को रेडी कर रहे हैं ब्रॉयलर चिक्स के लिए। तो मैंने जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, और उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा इसमें बचा हुआ है तो उसको हम लोग जो है पानी से साफ़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लोहे की जाली का इस्तेमाल किया है, और नीचे टब में जो है वो पानी भरा हुआ है, और पानी जो है बिल्कुल इस लेवल पे भरा हुआ है क्योंकि ये जो है जाली के ऊपर तक आ रहा है कि ताकि इजीली जो है हम इसको धो सकें। धोने के बाद में एक दो पानी से इसको आपको धो देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप इसको फीड करा सकते हैं। बट अगर सेम डे अगर फीड करा रहे हैं आप इसको तो एक केमिकल आता है, उससे आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा। बट इसको मुझे नेक्स्ट डे खिलाना है तो इसीलिए आज मैं इसको पानी से साफ़ कर रहा हूँ। और जब इसको आप अच्छी तरीके से साफ़ कर ले तो साफ़ करने के बाद में ये इस तरीके का दिखेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्वी जो है ये निकल करके भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सब लार्वी जो है वो गीला हो चुका है। तो अब गीली लार्वी को जो है आप रात भर नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि चोकर डालना है इसके अंदर में, और चोकर जो है वो एक तो क्या करेगा कि सुखाएगा इसको, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको फीड भी मिलेगा रात भर खाने के लिए। तो साथ में जो है मैं किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसको क्लीन करने के लिए, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया को जो है मुझे क्लीन करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी और चोकर जो है हम इसमें डालेंगे और फिर इसको कल जो है खिलाएंगे। तो आज दूसरा दिन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हल्दी और चोकर जो है मैंने उसके अंदर में डाला हुआ था। तो अभी क्या करना है हमें कि जो भी मतलब हल्दी वाला चोकर है वो तो पूरा रात भर में खा नहीं पाता है, बट जितना जो बचा हुआ होता है उसको हमें क्लीन कर देना है, और क्लीन करने के बाद में मतलब चलनी से चालेंगे तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको लार्वी को खिलाना है, मतलब बॉयलर को खिलाना है। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये खा नहीं रहा। खा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसका बॉयलर का, और मैं भी जो है वो पहली बार बॉयलर को ट्राई कर रहा हूँ लार्वी। तो देखते हैं कि ये खाता है या नहीं खाता है, और खाता है तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा सा जो है वेट करूँगा और सारी चीज़ें देखूँगा कि क्या हिसाब किताब बनता है इसका खाने का जो है। बाकी रहा सवाल कि बॉयलर चिक्स जो है वो वैसे भी स्लो होता है और खाता भी बहुत धीरे धीरे है, तो इसके लिए जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जितने भी फीडर है मैंने सोचा कि उस फीडर में रख दूं, बट ये अभी खाएगा नहीं क्योंकि मतलब खाएगा लेकिन वो स्लोली स्लोली खाएगा, क्योंकि पहले तो ये डर रहा है क्योंकि इसके लिए नया एक्सपीरियंस है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा है। अगर चिक्स जब छोटा होता है तो उस टाइम पे बहुत एक्टिव होता है, तो उस टाइम से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, और जब साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता है उस टाइम पर अगर आप देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको थोड़ा दिक्कत होता है। खैर कोई नहीं, बट अभी हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे फीडर हैं, लगभग 20 फीडर मैंने लगाया हुआ है, तो 20 फीडर में हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब जितना हमारे पास लार्वी है उतना लार्वी जो है हम सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ये 2-3 घंटे में जो है ये खा ले, और उसके बाद जो है फिर हम आपको धीरे धीरे जो है इसको बार बार हम चेक करेंगे कि कितना मतलब खाता है या नहीं खाता है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे जो है चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा। मतलब इसी वीडियो में मैं अपडेट करूँगा आपको, बट गैप ले करके, यानी कि थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर दूँगा और फिर आधा घंटे या फिर 1 घंटे बाद जो है बीच बीच में हम चेक करेंगे कि लार्वी खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो अभी जो ये देख रहे हैं खा रहा है, ये लार्वी नहीं खा रहा है, ये फीड खा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने तो डाल दिया इसके अंदर में, अब ये धीरे धीरे खाएगा अभी क्योंकि डर रहा है ये। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि सारे जो है फीडर में डाल देता हूँ। बाकी रहा सवाल कि देखिए कैलकुलेशन का कि कितना फीड बचेगा, तो ये तो अभी आइडिया नहीं है, और ना ही हमारे पास उतना लार्वी है, और ना ही वो उस स्पीड में ये खा रहा है कि आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। बाकी रहा कि इसको देना है जितना भी हमारे पास लार्वी है उसको, और फिर जो है कुछ ना कुछ तो बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है वो पूरे में ऐड कर देता हूँ, यानी कि सारे जितने भी हमारे
फीडर है सबके अंदर में, और ये जो है फिर अपना धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेगा। अभी एक और रीज़न है इसके नहीं खाने का, क्योंकि फीड जो है वो फीडर के अंदर में हमेशा भरा हुआ रहता है, तो इसलिए जो है इनका पेट भरा हुआ रहता है। तो जब किसी का भी पेट भरा होगा तो फिर वो उस रफ्तार में नहीं खाएगा, यानी कि उस स्पीड में नहीं खाएगा फीड को। बाकी देख सकते हैं कि एक दो जो नीचे गिरा हुआ है इसको ट्राई कर रहा है ये लोग खाने का, तो ये तो मतलब है कि खाएगा ये, बट ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इसको खाने में, तो अब देखते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है वो सारे फीडर के अंदर में मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देता हूँ, और उसके बाद फिर आधे आधे घंटे पे एक एक घंटे पे जो है मैं इस पर चेक करूँगा और अपडेट इसका जो है लूँगा कि क्या हिसाब किताब बनता है, कि मतलब कितना खाता है या नहीं खाता है। तो अभी आधे घंटे के बाद जो है वो मैं वीडियो ये वाला बना रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि चिक्स जो है वो खा रहा है। तो खा रहा है यानी कि ये फीडर के अंदर में नहीं खा रहा है, ये फीडर से उठा करके ज़मीन में फेंक देता है, और उसके बाद उसको जो है पटक पटक करके जो है दो चार बार उसको मारता है, और तब जा करके फिर खाता है ये। मतलब डायरेक्ट फीड की तरह नहीं खाता है कि हाँ फीडर में रख दिया आपने और वो खा रहा है, बट उस तरीके से नहीं खाता। क्या देख सकते हैं इस वाले चिक्स को, ये क्या कर रहा है, उसमें से उठा करके नीचे डाल रहा है और फिर उसको चार पांच बार पटक रहा है और फिर खा रहा है। तो सारे फीडर में जितने भी चिक्स हैं वो मतलब वो ऐसे कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं फीडर से उठा रहे हैं और उठा करके उसको ज़मीन में पटक रहे हैं, और फिर पटकने के बाद में जो है मतलब दो तीन बार पटक करके तब फिर उसको खा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले चिक्स को। बाकी रहा कोई दूसरा चिक्स जब आता है तो वो ले करके भी भागते हैं उसको, बट देसी की तरह इतना एक्टिव नहीं है कि हाँ सीधा जो है फीडर के अंदर ही पकड़ जल्दी जल्दी से खा लिया, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि ब्रॉयलर है तो इसका नेचर भी यही है, इसी टाइप का है, तो ये धीरे धीरे जो है ये खाता है। तो रिस्पॉन्स जो है वो सही है, हम लोग इसको दे सकते हैं लार्वी को, और ये खाता भी है, और लेकिन वही है कि थोड़ा स्लो खाएगा। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है कि मतलब पूरा फीडर जो है वो फुल करके नहीं रखना है, हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से आदत देना है इसको, जब ये खाने लगेगा तो फिर जो है उसको डालना है। तो अभी फिर मैं लगभग आधे घंटे के बाद से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप इसमें देख सकते हैं कि पहले के बनिस्पत जो है जो स्पीड था खाने का वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अब ये जो है वो फैमिलियर हो गए हुए हैं, यानी कि इनको पता चल गया है कि ये खाने की चीज़ है, इससे डरना नहीं है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है अभी भी डर जो है वो बना हुआ है चिक्स के अंदर में, और लेकिन जो है अभी क्या है कि फीड बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से भी अब इनको भूख लग रहा है, तो उस वजह से भी जो है ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा है, और क्योंकि जितना मैंने डाला था सारे फीडर के अंदर में तो उसके हिसाब से जो है अब बहुत कम बचा हुआ है। हर फीडर के अंदर में मुश्किल से 25-30 तो नहीं, मतलब 50-60 के आसपास बोल सकते हैं कि लार्वी हर फीडर के अंदर में बचा हुआ है। क्योंकि मैं जो है बीच बीच में मतलब एक घंटे डेढ़ घंटे पर चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मतलब रिस्पॉन्स जो है वो सही लग रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये खा रहा है। तो अब मैं मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो ब्रॉयलर है उसको आप लार्वी दे सकते हैं और जो है वो खाएगा। बाकी रहा कैलकुलेशन का कि कितना फीड बचेगा, तो वो तो डिपेंड करता है कि फीड के ऊपर में, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये उठा रहे हैं ज़मीन में पटक रहे हैं उसको और फिर खा रहे हैं, और फीड जो है वो जिस स्पीड में खाते हैं उस स्पीड में लार्वी को नहीं खा रहे, तो इस वजह से भी मतलब अगर फीड नहीं रखेंगे और कंटिन्यूसली अगर आप लार्वी देंगे तो ये उस स्पीड में खा नहीं पाएगा, और जब ये उस स्पीड में खा नहीं पाएगा तो इसको जितना ये फीड खाता है उतना ये खा नहीं पाएगा, तो फिर उस हिसाब से आई थिंक जो है पूरा लार्वी नहीं देना चाहिए। तो अभी मैं लगभग फिर जो है आधे घंटे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि अभी फीडर में किस तरीके से ये लोग घुसे हुए हैं। तो ये जो है मतलब
अब स्पीड जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है काफ़ी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लार्वी को खा रहे हैं। और ऑलमोस्ट फीडर जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट फीडर में जो है लार्वी ख़त्म हो चुका है, कुछ फीडर में जो है लार्वी बचे हुए हैं। तो अब जो है फर्स्ट डे आज था इसका, मतलब लार्वी से इंट्रोड्यूस हमने कराया था, तो उसके हिसाब से जो है ब्रॉयलर चिक्स है तो परफॉर्मेंस अच्छा था। बाकी रहा कि अब धीरे धीरे जो है ये जैसे जैसे इनको आदत पड़ जाएगी, मतलब फैमिलियर हो जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये खाने वाली चीज़ है, तो टेस्ट जो है इनको पता चल जाएगा, तो जो है अपने आप फिर खाना स्टार्ट कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आज पहला दिन था मतलब और ब्रॉयलर का लार्वी के साथ में, तो मैं कहूँगा कि अच्छा था। और रहा सवाल कि एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा जो है मज़ा नहीं आता काम करने में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इधर मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है वीडियो बनाना, तो उसका एक रीज़न यही है कि रिस्पांस जो है वो बेहतर नहीं मिल रहा है। अगर व्यूअर्स की तरफ से रिस्पांस अगर अच्छा आता है, लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और ग्रोथ अगर अच्छा होता है, तो फिर आदमी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस चीज़ को करना चाहता है। बाकी रहा वीडियो बनता रहेगा, बट वही है कि थोड़ा रिस्पांस अगर सही आता है तो जल्दी जल्दी बनता है, माइंड में रहता है कि हाँ चलो, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो जल्दी जल्दी बनाना है, लोगों को चीज़ें दिखानी है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी रहा कि जो भी मतलब लार्वी है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, और इसी के अंदर बचा हुआ है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो डिलीवरी का जो सिस्टम था वो अभी मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि जो भी मतलब मैं डिलीवरी के लिए भेज रहा हूँ उसमें मोर्टलिटी हो जा रही है, तो उसमें दोनों का लॉस हो रहा है। मेरा मतलब ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो है एक तो रेपुटेशन भी ख़राब हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि लार्वी का भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो है फ़िलहाल ठंड के टाइम से ही मैं डिलीवरी कर पाऊँगा, अभी डिलीवरी नहीं हो पाएगी लार्वी की, बट लार्वी अभी हमारे पास अवेलेबल है और ऑर्डर भी बहुत सारा है, तो मतलब मैं नहीं दे पाऊँगा किसी को भी, मैं स्टॉप कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, यानी कि ठंड का टाइम आएगा तो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अब श्योर हो जाएंगे आप इस वीडियो से कि हाँ ब्रॉयलर को जो है आप लार्वी खिला सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।